मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई जस्ट रिवाइज द चैप्टर 5. ओके, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट मे बी इट हेल्प्स टू क्लियर दैट. ओके, सो फर्स्ट इंटरनल एम्बेडेड स्टाइल शीट यू लर्न. बिफोर दिस आई टोल्ड यू अबाउट CSS इंट्रोडक्शन, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इंट्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वी हैव क्लियर्ड. सो नाउ इंटरनल एंड एम्बेडेड स्टाइल शीट. There are two types, or mainly three types of style sheets available in CSS. First one is internal embedded style sheet, is the one that we define in the same HTML page in which we want to use the styles. Internally, जो embedded है both are same. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें अगर tags के अंदर ही अगर हम define कर रहे हैं style को, so that is your internal or embedded style sheet. यानी single program में हम हमारे स्टाइल शीट को, स्टाइल्स को हम ऐड कर देते हैं हमारे प्रोग्राम में. सो दैट इज़ योर इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. द इंटरनल स्टाइल शीट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू डिफाइन द स्टाइल्स फॉर अ सिंगल वेब पेज. एक सिंगल वेब पेज के लिए हम जब यूज़ करते हैं, सो हम यूज़ करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट या एम्बेडेड स्टाइल शीट. और अगर हमें सारी जो स्टाइल्स हैं, जो फॉर्मेटिंग है, वो ऑल द वेब पेजेस के लिए, पूरी एक वेबसाइट के लिए अगर हम एक ही टाइप का स्टाइल सेट कर रहे हैं, सो वी यूज़ एक्सटर्नल टाइप स्टाइल शीट. जिसमें क्या होगा, अगर एक वेबसाइट के 12 पेजेस हैं या 15 पेजेस हैं, तो वो 15 पेजेस सेम उसी स्टाइल में रहेंगे. बिकॉज हम क्या करते हैं एक्सटर्नल में, सी एक प्रोग्राम में आपको बता देता हूँ वही वाला. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक अलग से प्रोग्राम बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .css. उस .css फाइल को हम हमारे HTML प्रोग्राम में अटैच करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो HTML कोड है, वो आपकी CSS फाइल को हम एक्सटेंड कराते हैं उससे, यानी उसको लिंक कराते हैं. और फिर वो क्या हो जाता है, जो आपकी वेबसाइट्स हैं, उसके जितने भी वेब पेजेस हैं, वो उन सब पे वर्क करता है. तो एक ही स्टाइल हमारा मल्टीपल वेब पेजेस पर अप्लाई हो जाता है. तो दैट इज़ योर एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू वो पॉसिबल है. प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है. एंड इसमें हम जो एक्सटर्नल में यूज़ करते हैं लिंक टाइप एट्रीब्यूट का. लिंक जो है दैट इज़ आर सिंपल टैग. इसके कुछ एट्रीब्यूट दिए हुए यहाँ पर टेक्स्ट CSS करके. तो इसके थ्रू हम हमारे जो CSS फाइल है उसको हम अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में बताया था आपको कि हमारे जो नॉर्मल टैग होता है, जैसे H1 है, हेडिंग टैग हो या पैराग्राफ टैग हो, उसी के अंदर हम स्टाइल्स को यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ योर इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है. तो इनलाइन स्टाइल शीट में आप सिंपल इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है. नेक्स्ट प्रीसीडेंस ऑफ स्टाइल शीट. तो प्रीसीडेंस का मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी के भाई फर्स्ट कौन सी स्टाइल शीट सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, ब्राउज़र किसको डिस्प्ले कराता है फर्स्ट वन. तो इसमें सबसे पहला था इंटरनल स्टाइल शीट, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी, ठीक है. नेक्स्ट इनलाइन स्टाइल शीट सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है. आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट है दैट इज़ लास्ट प्रायोरिटी या लीस्ट प्रायोरिटी. उसके बाद में आपको बताया डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स, परसेंटेज, सेंटीमीटर्स, इंचेस, पॉइंट्स, पिक्सल्स. ओके, आफ्टर दैट स्पेसिफाइंग कलर इन CSS. कलर प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था कि हम जो कलर सेट कर सकते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ कलर नेम या फिर हम हेक्साडेसिमल कोड्स जो दिए हुए होते हैं, कलर कोड, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. वर्किंग विद स्टाइल शीट्स एलिमेंट प्रॉपर्टीज, इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी था. बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में आई टोल्ड यू अबाउट कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर किस टाइप से चेंज हो सकता है. तो यहाँ पर आपको सिंपल से टैग दिए हुए थे. इन टैग्स का यूज़ करके हम आराम से हमारे प्रोग्राम को इजीली पूरा स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं. सी पैराग्राफ पी इज़ फॉर पैराग्राफ स्टाइल यूज़ हो रहा था यहाँ पर. तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कलर चाहिए बैकग्राउंड में. तो हमारा जो टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट हैज़ लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर ओनली लाइट ब्लू आ जाएगा, लाइट ब्लू कलर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. बैकग्राउंड कलर फॉर वेब पेजेस के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. हम इन जो है इनलाइन टाइप की स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने टैग के अंदर स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, बॉर्डर कलर हो सकता है, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर विड्थ.
कि हमारा जो बॉर्डर है, हम किसी भी टेक्स्ट पर या किसी इमेज पर अगर हम बॉर्डर सेट कर रहे हैं तो उस बॉर्डर का कलर आराम से हम चेंज कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अकॉर्डिंग। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि बॉर्डर डबल लाइन में होगा, डैश्ड में होगा, सॉलिड में होगा, ओके। बॉर्डर विड्थ डिफाइन हो सकती है कि बॉर्डर की विड्थ कितने इंचेस में रहेगी, सेंटीमीटर्स में रहेगी, ओके। नेक्स्ट आपका बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, क्रू, ये सारा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस प्रोग्राम में। आई होप कि आपने ये प्रैक्टिकली कर लिया हो तो ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, अदरवाइज थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको। तो बेटर है कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें नोटपैड पर, इसको जो है टाइप करके एक बार एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम का आउटपुट देखें ब्राउज़र पर कि हमारा जो वेब पेज है हम डिफाइन जो है क्रिएट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ कोड आपको टाइप करना है, इसमें कुछ अगर एरर आता है तो ये यहाँ पर कॉलम्स का, इन्वर्टेड कॉमास का, ये ब्रेसिस का, ये पैराग्राफ, इनको आपको ध्यान से चेक करना है। अगर आपने एक सिंपल वाला ये बना लिया इसको, देन इसको ही आप कॉपी करके पेस्ट करते रहिए 5-6 टाइम्स जितने भी बार यहाँ पर दे रखे हैं, और उसमें जो चेंजेस हैं नॉर्मली सिर्फ यहाँ पर चेंजेस हैं, नन, सॉलिड, डैश्ड, सिंपल चेंजेस हैं, इन चेंज को ही हम जो है वो करेंगे, ओके। यहाँ पर आपको डबल बॉर्डर दे रखा है, यहाँ पर डैश बॉर्डर, बस ये स्मॉल चेंजेस हैं, बाकी पूरा जो आपका पैटर्न है, सिंटेक्स जो रहेगा, पी स्टाइल, बॉर्डर विड्थ 2 pixels, बॉर्डर स्टाइल ग्रू टाइप का, डबल टाइप का, डैश टाइप का। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ये आपके लिए टिपिकल बना रहेगा। नेक्स्ट आपका मार्जिन प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था मार्जिन प्रॉपर्टी में हमारे जो बताया था ना मैंने आपको एग्जांपल के, हमारी जो बुक्स होती हैं उसी के अंदर एक मार्जिन दिया होता है जहाँ क्वेश्चन एंड आंसर वी राइट, एंड टॉप मार्जिन होता है जिसमें हम चैप्टर या आपका जो लेसन नेम होता है या फिर हम डेट वगैरह टाइप करते हैं, तो वो चीज़ें उसी टाइप से हमारे वेब पेज पे भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर हमें हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट से स्पेस चाहिए तो हम लेफ्ट मार्जिन, राइट से स्पेस चाहिए तो राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ओके। तो इस टाइप से हम हमारे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे एलिमेंट्स के अराउंड स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैल्यूज़ ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी के लिए वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं कि पिक्सल्स में दे सकते हैं, है ना, पॉइंट्स में दे सकते हैं, हम उसकी लेंथ ऑटो टाइप का सेट कर सकते हैं, परसेंटेज टाइप का सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम हमारे मार्जिन वैल्यूज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी बताया था कि एक टैग के जो हाइट एंड विड्थ हैं वो किस टाइप से हम सेट कर सकते हैं, तो इसको हम पिक्सल्स में मोस्टली मैंने आपको बताया हाइट एंड विड्थ पिक्सल्स में हैं, इसको हम पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन प्रॉपर्टी, आउटलाइन और बॉर्डर में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। आउटलाइन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द लाइन टू बी ड्रॉन अराउंड एलिमेंट, द लाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट एंड टू इन्हेंस इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटलाइन प्रॉपर्टीज सच एज, वही सेम आउटलाइन प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रू, इंसर्ट, है ना, जैसा बॉर्डर में था वैसे ही आउटलाइन भी है, पर आउटलाइन आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एन आउटलाइन डज नॉट टेक अप स्पेस। आउटलाइन क्या होती है, उसी इमेज पर या उसी कंटेंट पर आपके डिस्प्ले होती है, पर जो हमारा बॉर्डर है ना वो अलग से स्पेस लेता है, आपका जो एक्चुअल साइज होता है ना इमेज का, लाइक आप फ्रेमिंग कराते हैं, ठीक है। तो फ्रेमिंग जब हम अगर किसी पिक की फ्रेमिंग कराते हैं तो उसका जो फ्रेम क्रिएट होता है, बॉर्डर जो वो बनाते हैं, है ना, बिडिंग जो होती है ना अलग से, तो वो आपका स्पेस बढ़ा देती है उस इमेज का, जो एक्चुअल साइज मान लो A4 है ना, तो वो बॉर्डर एड होने के बाद में A6 पहुंच जाता है, ठीक। तो आउटलाइन ऐसा नहीं है, आउटलाइन उसी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर ही जो है क्रिएट हो जाती है। आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी, आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ठीक है। जो आउटलाइन को कलर हम अगर देना चाहते हैं तो आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी है, आउटलाइन की जो विड्थ है वो आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स में, पिक्सल्स में। देन फॉन्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या, हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है उसका कलर, उसका जो है फॉन्ट स्टाइल के, वो फॉन्ट जो है वो किस स्टाइल में रहेगा,
नॉर्मल में, कर्सिव में, कॉमिक सेंस में, जो भी आपको जितने भी नेम याद हैं वो उस टाइप से आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट जो है साइज़ के, स्मॉल रहेगा, लार्ज रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा, वेरी लार्ज रहेगा, मीडियम रहेगा, है ना। उसको हम चाहें तो पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, और या फिर हम उसको सिंपली स्मॉल, लार्ज, एक्सेल इस टाइप से हम उसको दे सकते हैं। तो इस फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारा वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उस वेब पेज पर एक ही स्टाइल में मोस्टली हम उसकी थीम सेट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये उसकी थीम सेट करने के लिए, कि जब हम एक किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो मोस्टली उसके जो वेब पेजेस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट वाला बैकग्राउंड तो रेड हो गया और सेकंड वाला ब्लू हो गया। उसमें जो रहता है आपका सिंपली सिमिलर कलर्स में, सिमिलर पैटर्न में एक थीम पे चलता है वेबसाइट आपका। कि अगर आप किसी स्कूल की वेबसाइट देखेंगे, अगर उसमें जो है ब्लू, ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन है ना, तो ज़्यादातर मोस्टली उसके जितने भी वेब पेजेस हैं वो उसी फॉर्मेट में वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पेज पे हमने येलो बैकग्राउंड ले लिया, एक पे हमने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, एक पे हमने पिंक बैकग्राउंड ले लिया, तो वो क्या हो जाता है, ऑड शो होता है। सो वेबसाइट क्रिएशन के ये कुछ नॉर्म्स हैं, कॉमन एथिक्स हैं, कि आप अपनी थीम एक क्रिएट करके चलिए। जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमारा जो फुल्ली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, वो एक ही थीम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में तो हमने अलग जो है थीम ले ली, अलग स्लाइड ले ली, नेक्स्ट वाले में हमने दूसरी स्लाइड में हमने अलग थीम सेट कर दी, फिर हमने अलग थीम सेट कर दी, तो आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। तो वही नॉर्म्स यहाँ पर भी अलाउ होते हैं, यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि भाई आप अपने जो वेब पेज है उसकी फॉर्मेटिंग सिमिलर टाइप की रखें। उसका जो स्टाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक ही टाइप के फॉन्ट स्टाइल्स चलें, हेडिंग्स टाइप एक टाइप की रहें, जैसे हमारी बुक में हेडिंग्स हैं, हाँ, तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी, आउटलाइन प्रॉपर्टी, इनका साइज एक्चुअली सेम है, इनका जो बोल्ड टाइप में है ये बोल्ड है थोड़ा सा, फॉन्ट स्टाइल इनके सेम है। तो आप अगर इस चैप्टर को पूरा देखें तो इसमें जितनी भी जगह हेडिंग्स आई हैं वो मोस्टली हेडिंग्स इक्वल साइज में हैं, इक्वल स्टाइल में हैं, उनका फॉन्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल एज इट इज सेम है, फॉन्ट कलर सेम है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे वेब पेज पर भी हमें अगर फॉन्ट्स को स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर फॉन्ट प्रॉपर्टी दी हुई है, उस फॉन्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम हमारे फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट साइज को ईजिली सेट कर सकते हैं। वन टाइम सेट करेंगे तो हमारा जो वेब ब्राउजर है उस वेब पेज पर जब भी उस टाइप के फॉन्ट्स हम वहाँ पर पैराग्राफ या जो है हेडिंग या कुछ भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो आपका इसी टाइप से डिस्प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अलाइन प्रॉपर्टी, अलाइनमेंट। तो इसके थ्रू हम हमारे टेक्स्ट के जो पोजिशन है उसको अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, मार्जिन, सेंटर पोजिशन के थ्रू, ठीक है। अभी वो इमेज भी हो सकता है, वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है। अलाइन प्रॉपर्टी में हम किसी भी हमारे कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लॉट प्रॉपर्टी, दैट वन इज योर लास्ट टॉपिक। फ्लॉट प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्लॉट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पोजिशन और अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट अराउंड ईच अदर व्हेन दीज आर पुट इनसाइड अनदर कंटेनर। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस टाइप से मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया था कि इस प्रोग्राम में ये इमेज हमारा एक कंटेंट है, ये जो है टेक्स्ट हमारा एक कंटेंट है, तो इनको हमने इमेज के साथ में हमने इसको अटैच कर दिया, तो दैट इज़ योर फ्लॉट प्रॉपर्टी के थ्रू पॉसिबल होता है। अगर हम इसको चाहें कि लेफ्ट साइड में करना है तो हमने लेफ्ट साइड यूज़ कर लिया, राइट साइड चाहिए तो हम इसको राइट साइड यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ यहाँ पर इसके बारे में बताया था, सी दैट इज़ योर सिंपल एक्सरसाइज है यहाँ पर, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स के सोल्ड में हैं ये, है ना। डिस्कस द रोल ऑफ W3C। W3C के बारे में आपको शायद बताया मैंने, वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरा इसी पे डिपेंड करता है इंटरनेट, है ना। सो आप इसको एक बार मेमोराइज करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस और फाइंड आउट करिए, पूरे चैप्टर को प्रॉपरली रीड करना है आपको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक W3C का रोल है, उसके बारे में बताया गया है कि W3C एक एसोसिएशन है जो कि पूरे इंटरनेट को गवर्न्स करती है, अप्रूव्स और मेंटेन्स वेरियस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो W3C के अंडर में पूरा इंटरनेट मेंटेनेंस, इंटरनेट एक्सेस, सारा जो है वो सब वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही पॉसिबल है। CSS इज ऑल्सो मेंटेन्ड
एंड क्रिएटेड बाई ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ W3C ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज द वर्किंग ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स. सो वी नो इन लाइन स्टाइल शीट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज इंटरनल की, नेक्स्ट सेकेंड वाली इन लाइन की, और लास्ट वन इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट की. ठीक है, सो वॉट इज द यूज ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी. मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज क्या है कि वो स्पेस एलिमेंट्स के आसपास स्पेसिफाई करवाता है. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द इनसेट और आउटसेट आउटलाइन. इनसेट आउटलाइन, इट अप्लाइज आउटलाइन एंड मेक्स द बॉक्स लुक लाइक इट इज एम्बेडेड इन द पेज. और आउटसेट जो रहेगा वो क्या रहेगा कि जैसे हमने कोई इमेज को कम कैनवास पे पुट कर रखा है. नेक्स्ट है, वाई डू वी यूज़ द अलाइन प्रॉपर्टी. अलाइन प्रॉपर्टी हम क्यों स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन अलाइन करनी होती है. सो लेफ्ट राइट सेंटर इस टाइप से यहाँ पर दिए हुए हैं कि उसमें हम टेक्स्ट हो या इमेज हो उसको हम अलाइन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, विच एलिमेंट्स प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट. सिंपल, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी. वॉट इज CSS? CSS क्या है? CSS, HTML इज नॉट द ओनली टेक्नोलॉजी यूजिंग विच वी कैन क्रिएट वेब पेज. ओके, सो देर आर अदर टेक्नोलॉजीज और लैंग्वेज ऑल्सो यूजिंग विच वी कैन एनहेंस द वेब पेजेस. वी कैन इवन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेब पेज डिजाइन यूजिंग HTML अलॉन्ग विद दिस टेक्नोलॉजीज. सो CSS इज वन सच टेक्नोलॉजी. CSS एनहेंसेज द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू हम नॉर्मली वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, बट बाई द हेल्प ऑफ CSS टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट एन इफेक्टिव, और आपका जो होता है ना उसकी वेब पेज की इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम स्टाइल्स को सिंपल वन टाइम क्रिएट करते हैं और वही सेम स्टाइल हमारे जो वेब पेज है उसके अकॉर्डिंग में ईजिली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और बार बार हमें वेब पेजेस को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती. यानी हम एक ही बार में उसका डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम चाहे उसमें 100 पेजेस करें तो हमें 100 पेजेस के लिए बार बार वो डिज़ाइनिंग सेट नहीं करना है. ओके, बस हमें उसको इम्प्लीमेंट कराना आना चाहिए. नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ CSS. सबसे पहले आपको बताया था CSS सेव्स टाइम टू डेवलप वेब पेजेस. CSS यूजेस लेस बैंडविड्थ. CSS मैक्स डाउनलोडिंग द वेब पेज. CSS इज ईजी टू मैंटेन. तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं, इनको प्रॉपरली रीड कर लीजिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए सो यू कैन आस्क. एंड थर्ड वन इज़ हाउ कैन यू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर मल्टीपल टैग्स. तो डिफरेंट स्टाइल रूल्स के लिए आपको बताया था कि हम हमारे HTML टैग को मल्टीपल स्टाइल रूल्स के साथ में ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम सिंगल एलिमेंट हो या सिंगल टैग हो. तो देर आर टू टाइप्स, के हम एक स्टाइल को सिंगल टैग के साथ यूज़ करते थे, या फिर वही सेम स्टाइल को मल्टीपल टैग के साथ में हमने यूज़ किया था. इसके लिए हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने फर्स्ट H1 में ही अप्लाई किया था, उसके बाद में हमने H1, H2 और H3 तीनों आपके जो HTML टैग थे उसमें सेम टाइप की स्टाइल शीट अप्लाई की थी. तो ये आपको एक बार प्रोग्राम यहाँ पर बताना है, ठीक है. और इसको हम सेमीकोलन से सेपरेट करते थे, H1 देन H2 सेमीकोलन फिर H3. ओके, कंपेयर HTML एंड CSS. तो CSS एंड HTML में अगर हम कंपेयर करें, सो HTML एंड CSS आर नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, रादर CSS इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTML. CSS enhance basic HTML tags and attributes and improves the presentation of the web page. Simple है, CSS जो है वो mainly designing purpose के लिए use हो रहा है. इसके through हम easily हमारे attributes में जो है हमारे tags हैं उनको web page को थोड़ा improve कर सकते हैं, कि उन्हें जब हम web page display होते हैं तो उसमें थोड़ा सा presentation, उसका visualization अच्छा हो जाता है. तो इस type से CSS file can be linked तो मैनी वेब पेजेस, ये किसी के एडवांटेजेस में भी आ जाएगा. उसके अलावा जो आपका है, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिंक. तो लिंक टैग का जो है टैग का यूज़ क्या है कि लिंक टैग जो है आपका हैज एट्रीब्यूट दैट इज टाइप एट्रीब्यूट. इट हैज़ द वैल्यू टेक्स्ट CSS. द वैल्यू स्पेसिफाई द स्टाइल शीट लैंग्वेज एज अ कंटेंट टाइप. फॉर एग्जाम्पल लिंक टाइप, ये जो हमने आपको बताया था, देन आफ्टर हाइपर रेफरेंस, हाइपर लिंक रेफरेंस हम देते हैं कि भाई हमें क्या फाइल को लिंक कराना है. तो यहाँ पर हम .css वाली जो फाइल होती है उसको यहाँ पर हम अटैच करते थे. तो इसके लिए भी आपको प्रोग्राम वहाँ पर दिए हुए हैं, उन प्रोग्राम्स को आपको प्रॉपरली देखना है. तो ये तो थे आपके सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है. अब इन सॉल्व क्वेश्चंस के बाद हम बात करें अनसॉल्व की, तो यहाँ पर कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखें.
इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपका थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। जितने प्रोग्राम्स आपको बताए ऑलमोस्ट 16-17 प्रोग्राम्स एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, इन प्रोग्राम्स को आप प्रॉपरली कंप्लीट करिए। और इनमें से 10 प्रोग्राम्स की लिस्ट मीन्स 10 प्रोग्राम्स आपको एक फाइल बनानी है जिसमें 10-15 प्रोग्राम्स आपको राइट करना है, ठीक है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। तो उन प्रोग्राम्स को आपको फाइल सेट करनी है और उस फाइल को सबमिट करनी है। नॉर्मली आप HTML कोड जो आपका फर्स्ट चैप्टर था HTML वाला है ना, नेक्स्ट इसके बाद CSS जो हमने पढ़े, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको प्रोग्राम्स बना के लाने हैं और उनके आउटपुट भी आपको वहाँ पर ड्रॉ करने हैं कि उसमें किस टाइप का आउटपुट वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो उन वन पेज पर आपका कोडिंग आ जाएगी और उसी के सामने वाले पेज पर आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मैक्सिमम 15 प्रोग्राम्स आपको टाइप करने हैं जिसमें HTML और CSS दोनों के एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।